इस न्यूज के प्रायोजक है गैलेक्सी फैशन, अली नगर मेन मार्केट, आशापुर रोड। नमस्कार, यह है आपका अपना पसंदीदा वेब न्यूज चैनल डीवीएन टीवी, जो रखे आपको हर खबर से अलग, सच्चाई की ओर। इसी कड़ी में मैं हूं आपके साथ एम राजा। दरभंगा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसकी महीनों से इंतजार था। दरअसल बीते कुछ दिनों से दरभंगा के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंप व सीएसपी संचालकों के साथ लूट का खेल अपराधियों के द्वारा चल रहा था। खेल तो अपराधियों ने शुरू किया था, लेकिन उसे खत्म बेनीपुर डीएसपी उमेश भर चौधरी व बिरौल डीएसपी दिलीप झा ने किया है। विगत कुछ माह से बिरौल अनुमंडल व बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में पेट्रोल पंप व सीएसपी संचालक के साथ छिनतई का मामला चल रहा था। बीते 9 दिसंबर 2019 को अलीनगर थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर हथियार बंद अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर नोजल स्टाफ के साथ छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस इस घटना से जुड़े एक एक पहलू पर जांच कर रही थी। नोजल स्टाफ भी शक के दायरे में था, उससे भी पूछताछ की गई पर बात नहीं बनी। उसके बाद घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कुमय में बीते कुछ दिन कबल सीएसपी संचालक के साथ छिनतई का मामला सामने आया। पुलिस हरकत में आई, दरभंगा एसएसपी के द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें दोनों डीएसपी को लीड रोल में रखा गया। उसके बाद पुलिस लगातार अपराधियों को ट्रेस करती रही और आखिरकार अपराधी फंस गया। इसी ट्रेस में इसी घटना से जुड़ा तार अलीनगर के पेट्रोल पंप पर हुई छिनतई से जुड़ा हुआ मिल गया। लोकेशन ट्रेस किया गया। इस घटना में अंतरराज्यीय अपराधी का डेरा था, जो दरभंगा के अलग अलग हिस्सों में अपराध की घटना को अंजाम दे रहा था। अब आइए मामले में बेनीपुर डीएसपी उमेश्वर चौधरी से बात करते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी 28 तारीख को घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में एक सीएसपी लूट की घटना हुई थी, जिसके उद्भेदन के क्रम में कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इस गिरफ्तारी में यह बात सामने आया कि वही अपराधी पेट्रोल पंप लूट में संलिप्त थे और उन्हीं के द्वारा वो पेट्रोल पंप लूटा गया था, जिसमें जो अपराधी गिरफ्तार हुए वो मोतीपुर बेहड़ा के अंतर्गत एक गांव है, वहां के रहने वाले रामुद्रार यादव। उनके साथ 3 क्रिमिनल यूपी का रहने वाला है, रवि, मुकेश और सुनील। इन लोगों का एक गिरोह यहां पे था, जो कि इस तरह की लूट की घटनाओं को किया करते थे। तो घनश्यामपुर लूट के बाद यह बात सामने आई है कि यही गिरोह वहाँ पे लूट कांड किया था और इस बात को कन्फेस किए और आगे भी अब उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसके उद्भेदन में यह बात भी सामने आई कि बहेड़ी में एक सीएसपी लूट हुआ था, उस लूट में भी यही अपराधी शामिल थे। इनको उस कांड में रिमांड और टीआईपी करवाने का प्रयास किया। कुल मिला के कहा जाए तो सर एक बड़ी कामयाबी हुई, जो क्षेत्रों में जिस तरह की जो है सो डर का माहौल था, कभी लूटकांड पेट्रोल पंप पे हो जाया करता था, कभी सीएसपी संचालक के साथ हुआ करता था, तो एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया। बिल्कुल, इसमें ये बात सामने आई है कि 2016 से ये अपराधी बेनीपुर क्षेत्र में रेंट पे रूम लेकर के रह रहे थे और मोटरसाइकिल चोरी एवं लूटकांड किया कर रहे थे। कई मोटरसाइकिल बरामद हुआ है सहरसा जिले से। इन लोग मोटरसाइकिल लूट करके या मोटरसाइकिल चोरी करके उसका पार्ट्स खोल करके बेच दिया करते थे। उस अपराधी का नाम रहीम है, जिसका गैरेज हुआ करता था, और वो या तो पूरे मोटरसाइकिल को बेच दिया करते थे या उसका पार्ट्स उसका खोल करके बेचते थे। तो पूरे 2016 के बाद से इन्होंने इस गिरोह ने कई कांड किए, चोरी सहित लूटकांड भी उसमें शामिल है, जिसका उद्भेदन हुआ है। इनकी गिरफ्तारी और उद्भेदन से आगे भी हम लोगों का जो क्राइम हो रहा था उस पर रोक लगेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है लिम्बा स्कूल ऑफ लर्निंग, नियर जामा मस्जिद, धमवाड़ा, अली नगर, दरभंगा।